तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लैश ऑफ क्लैन की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम करने वाले लेबोरेटरी पर काम। बट यार सही बताऊं ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, एंड क्योंकि बहुत कम ऑप्शन रह चुके हैं एंड कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है यार कि मैं क्या अपग्रेड करूँ और रीज़न क्या है उसको अपग्रेड करने, क्योंकि यहाँ पे ट्रूप्स तो सभी हो चुके हैं एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो जैप क्लोन और तीन हमारी जो सीज मशीन है ये बाकी है, हमारी अपग्रेड करनी बाकी है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट मैक्स हो चुका है। ओके ऑलमोस्ट नहीं मतलब मैक्स हो ही चुका है एंड सिर्फ ये पांच चीज़ें बाकी है। बट मैं कंफ्यूज यार किस से स्टार्ट करूँ अभी, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको पता है नया अपडेट सितंबर के आसपास आने वाला है एंड आई डोंट नो वहाँ पे लेबोरेटरी का कुछ काम होगा या नहीं भी होगा या ऐसे ही खाली रहेगी लेबोरेटरी। बट स्टिल यार यहाँ पे ये अपग्रेड करना है। वैसे अगर बेस में देखा जाए तो तीन लेवल किंग बाकी है एंड एक अकेला मोर्टार बाकी है जो अपग्रेड करना है, बाकी सब कुछ अपना मैक्स हो चुका है। एंड सही में यार कुछ वॉल्स बाकी है, यहाँ पे वॉल्स करनी है एंड देन फाइनली आई थिंक अब की बार ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा जो ये बिल्डर है ना, यहाँ पे नथिंग लेफ्ट टू अपग्रेड, ये ऑप्शन मेरे को चाहिए यार अब की बार अपडेट से पहले चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार कभी नहीं देखा, मतलब बहुत टाइम क्या इस आईडी पे मैंने कभी आज तक वो चीज़ देखी नहीं है कि यहाँ पे आपका टाउन हॉल का सभी चीज़ मैक्स आउट हो चुका है एंड करिए, क्योंकि शुरू में ये रस अकाउंट था देन इसको मैंने धीरे धीरे करके मैक्स करना शुरू किया एंड देन वॉल्स का ऑप्शन रहता ही रहता था। क्योंकि मेरी वॉल टाउन हॉल जब मैंने 11 से 12 किया था उस टाइम मेरी लेवल 9 या लेवल 10 की वॉल्स थी, बहुत ज़्यादा लो लेवल वॉल्स थी एंड चलो फाइनली वो बहुत अच्छे खासे लेवल पर अब पहुँच चुके हैं, मैक्स कर चुके हैं एंड 40 एंड आई थिंक 39 वॉल्स यहाँ पे बाकी है, चार एलेक्जर कलेक्टर बाकी है जो कि यार खास मैटर नहीं करते, वो तो हो जाएंगे, पाँच दिन की बात है, पाँच दिन का पता नहीं चलेगा चुटकियों निकल जाएंगे। उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे मोर्टार का अपग्रेड एंड बारबेरियन किंग का जो कि बहुत जल्द हम करने वाले हैं विद इन 2 or 3 weeks। बट सारा कन्फ्यूजन तो यहाँ पे है एंड जब तक मैं ये कन्फ्यूजन दूर होता तब तक एक अटैक करके आते हैं एंड आज के अटैक की अगर बात की जाए यहाँ पे बैटल लॉग देख सकते हो, बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा गया क्योंकि फर्स्ट टाइम लगातार 2 3-star मैंने निकाले हैं, देन 2 19+19 हुए, मतलब 59% 1 92%। सो अभी देखते हैं, आई थिंक यार 2 3-star हो चुके हैं, 90 ट्रॉफीज़ मिल चुके हैं एंड तो अब की बार फिर से यार 92 करवा दे रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। एंड फिलहाल मैं जो आर्मी यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये 30 mess एंड ओके बेस ठीक ठाक है क्योंकि सब कुछ तो यार सेंटर में रखा है। बट चलो ठीक है, अटैक तो करना ही है, अभी फनलिंग क्रिएट कर लेते हैं इधर से, मतलब एक साइड से अपना जाएगा ग्रैंड वार्डन जो कि हमारे लिए कुछ रास्ता तैयार करेगा आगे निकलने का एंड देन बाकी सब कुछ मैं सही बताऊँ ना स्पैम करने वाला हूँ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हाँ भाई वन बाय वन कुछ हम ड्रॉप करने वाले थे। यहाँ पे एक और लून डाल देते हैं, साइड बिल्डिंग क्लियर हो जाएंगे एंड आई डोंट नो यार किसने हमारे ग्रैंड वार्डन को हिट किया, कौन सा साला बेशरम आदमी वो, आई डोंट नो। सो चलो अभी दूसरी क्या चीज़ है, अभी सब कुछ साथ ही जाना पड़ेगा बिकॉज क्या बोलते हैं इसका सीसी इधर है एंड ये कैनन टूटते ही अपना आर्चर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम ताकि ग्रैंड वार्डन इस तरफ ना निकले एंड इधर से आइस गोलम यू नो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है इस गोलम से जब वो फ्रीज होता है एंड बाकी फिर सारा कुछ स्पैम, जैसा कि मैं बोलता हूँ स्पैम आर्मी मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए एंड मतलब स्पैम ही होती है यार आर्मी मोस्ट ऑफ द टाइम, आई डोंट नो आप कैसे यूज़ करते हो बट मैं तो लिटरली यार साइड आर्मी को स्पैम करता हूँ एंड जो रिजल्ट मिलता है ना भाई साहब मज़ेदार है वो, क्योंकि तबाही मस्ती है भाई साहब इस अटैक स्ट्रेटजी से एंड सीसी से क्या निकला था भाई वो तो पता ही चला, आई थिंक 3 eyes था, सो वो भी डाउन हो चुका है, सीसी डाउन हो चुका है। बाकी जंप डालने का यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा मुझे लग रहा है, अदरवाइज़ तो कहीं दिख नहीं रहा ऐसा कुछ जहाँ पे वैल्यू मिल पाएगी। सो जंप इधर से जा रहे हैं, क्वीन सामने है एंड क्वीन आई नो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है क्योंकि बाकी के जो सारे ट्रूप थे ना वो पीछे रह गए एंड कुछ 2-3 या 30 यहाँ पे आए थे शायद से सीसी वाले थे, आई डोंट नो लेट्स सी। एंड यहाँ पे थोड़ा क्लियर किया जाए भाई साहब, इधर से कबाड़ा हटाया जाए। ओके तो बहुत कुछ मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स निकाल लिए, क्वीन कहाँ है हमारा, क्वीन कहाँ घूम रहा है ये रहा वे यत्ती के बीच में क्वीन घूम रहा है, क्या बात है, अच्छा वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है क्वीन से हमें। अबे ढक्कन इधर 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 करना था, इसको हिट करना था, ग्रैंड वार्डन को हिट करते यार कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिल जाता अगर ग्रैंड वार्डन को हिट करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज देगा यार, वो देखना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डैमेज, मतलब जो यत्ती माइट्स वगैरह हो गई इन सबको भी हिट करेगा तो सही में बहुत दिक्कत देने वाला है ये। बट स्टिल यार चलो अब तो हो गया तो हो गया, यत्ती माइट्स इसको निकाल सकते हैं अगर ये उस तक पहुंचने देगा तब की बात है ये, क्योंकि ये तो जाने ही नहीं दे रहा यार। सो
चलो 82% कमेंट करो फटाफट से भाई, कितना परसेंट आपको लगता है निकाल सकते हैं हम यहाँ से। एंड सॉरी यार, थोड़ा आपको अगर लगे तो मेरा साउंड बहुत लो चल रहा है। एंड 87% हो चुका है, 88%, 89, 90, 92 शायद से वहाँ पे उसी लेवल तक हम वापस पहुँच सकते हैं, श्योर नहीं हूँ मैं, लेट्स सी। 91 एंड यस 92 होगा क्योंकि वहाँ पे अभी किंग डिस्ट्रैक्ट करने वाला, तो भाई साहब ये अलग ही लेवल का कॉम्बो अपना बन चुका है। ओके 93 हो चुका, बट स्टिल ट्रॉफीज़ हमें वही मिलने वाली है, 30 ट्रॉफीज़। तो आज के हमारे 6 अटैक हो चुके हैं जिसमें हमें दो बार मिली हैं 40 ट्रॉफीज़, दो बार मिली है 19 एंड दो बार मिली है 30 ट्रॉफी। क्या बात है, अलग ही लेवल का कॉम्बो आज हमने कर दिया है। एंड अभी अपग्रेड की अगर बात की जाए तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है यार, मैं सोच रहा हूँ जैप करने की, क्योंकि यहाँ पे नई नई स्ट्रेटजी लेंगे। एंड सीज़ की अगर बात की जाए, मेरे पास सीज़ बैरक है जो कि ऑलरेडी मैक्स लेवल, एंड मैं बैटल ब्लिंप यूज़ करता हूँ जो कि मैं सीसी में रखता हूँ, वो ऑलरेडी मुझे मैक्स मिल जाता है वहाँ से। उसके बाद स्टोन स्लैमर और वॉल ब्रेकर बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, सो फिलहाल तो जैप के लिए जाना चाहिए। एंड मैं चला यार जैप के लिए, और क्या बच गया भैया अपने पास, ओके रिसोर्स थोड़ा बच गया, तो गोल्ड हम सेव कर लेते हैं फॉर क्या बोलते हैं अपना ये जो लास्ट का मोर्टार बाकी है उसके लिए हम गोल्ड रख रहे हैं। एंड बाकी तो ठीक है यार सब कुछ। तो बताओ यार आपको कितना लगता है, मतलब कितने टाइम के अंदर हम अपना बेस मैक्स कर सकते हैं, एंड आपका कितना मैक्स हो चुका है, कितना कुछ बाकी है, एंड सितंबर या अक्टूबर में या जो भी नेक्स्ट अपडेट आने वाली है उसमें क्या लगता है क्या कुछ आने वाला है, एंड कितना कुछ आपने तैयारी कर रखी है उसके लिए ये भी बताना। तो आज की वीडियो में गाइस जितना ही था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, एंड लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो। एंड साथ ही साथ गाइस एक अनाउंसमेंट करना तो भूल गया यार मैं, बहुत ही जल्द अपने चैनल पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, एंड इस वीडियो पे अगर लाइक हमारे मतलब 30 या 40 लाइक 30 35 लाइक अगर कंप्लीट हो जाते, ज़्यादा नहीं बोलता यार मैं, 35 लाइक हमें इस वीडियो पर चाहिए, एंड 35 लाइक होते ही 30 तारीख को इस महीने के लास्ट दिन मैं लाइव आकर गिव अवे करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम यार एक बंदे ने ब्लेम लगा दिया था मेरे ऊपर कि मैं फेक गिव अवे कर रहा था। सो नेक्स्ट जो गिव अवे होने वाला है वो लाइव होने वाला है, आपको जस्ट करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को इस वाली वीडियो से मैं कमेंट पिक करूँगा, सो इस वीडियो को लाइक करना, एक बढ़िया सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट यहाँ पे डाल देना, बिग फैन विनोद वगैरह ये मत डालना यार, विनोद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पैम हो चुका है, विनोद का अगर किसी का कमेंट विन हुआ तो भाई मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इस पहले ही बोल रहा हूँ। तो विनोद मत करना कमेंट बॉक्स में, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट डाल देना। एंड बस गाइस इतना ही था, ये वीडियो जरूर से लाइक करना एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना क्योंकि ये बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। एंड उसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला, बट एक सरप्राइज इवेंट है, सो उसके लिए आपको चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहना होगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।